देखिए राम जी की चौपाई में कहा जाता है कि बुरे समय में ना चार चीजें परखी जाती हैं, यानी कि उनका टेस्ट होता है, धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। जी हाँ, कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी विपदा आती है या कठिन समय आता है ना, आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, पति पत्नी के रिलेशंस जो हैं वो उतार चढ़ाव के थ्रू जाते हैं। धैर्य तो पूछिए नहीं, ऐसा लगता है कि पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। और धर्म जो है वो अगर आप अडिग हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। सोच कर देखिए, श्री राम के नाम का जयकारा करके तो देखिए। जरा देखिए, आज उसके पैर जमीन पर नहीं हैं और होंगे भी कैसे, क्योंकि उसे दोहरी खुशी जो मिल रही है, एक खुशी ये कि उसकी शादी हो रही है, वही दूसरी खुशी जो पूरी दुनिया को है। राम जी आ रहे हैं तो मैं जितना दिल से कर पाई मैंने किया, मैंने दिया लगाया है, थोड़े फूल सजाए हैं, ये हमने यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाया है और हमारे राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की तस्वीर लगाई है। राम लला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, तो भाई इस मौके को ही क्यों न यादगार बनाया जाए, दिवाली की तरह पूरा घर सजाया जाए, श्री राम संग सिया की आरती उतारी जाए। पूर्वी के साथ शामिल हो रहा है विराट का भी परिवार। हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या और ये ना बहुत गर्व की बात है, और 22 जनवरी को हम सब पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा, तो मैंने एक छोटा सा आगमन किया है राम जी का, बाकी सारी चीज़ें तो 22 जनवरी को ही होगी। 14 साल का वनवास खत्म करके जब सीता माता के साथ श्री राम अपने घर अयोध्या पधारे थे, उसी दिन दीपावली मनाई गई थी, तो आज भी तो दीपावली का त्योहार मनाना ही है ना। दीप जलेंगे, दीपावली मनेगी तो मुंह भी मीठा होगा, मोती चूर के लड्डुओं से सबका मुंह मीठा होगा और पूरे सेट पर श्री राम जी के नाम का जयकारा भी लगेगा। पता चला था 22 जनवरी को हम मनाएंगे, मुझे तो बहुत गूजबम्स आए थे और सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं वेट कर रही हूँ 22 जनवरी का। इनफैक्ट कल भी मैं अपने को एक्ट्रेस से बात कर रही थी कि 22 जनवरी को दिवाली होगी, तो बहुत खुशी का माहौल है और मैं चाहती हूँ ये खुशी थोड़ी सी बांटी जाए, तो क्यों ना हम ये प्रसाद के रूप में सबको, राम जी आने वाले तो उसकी खुशी में सबको थोड़ा थोड़ा मीठा मुँह करवाया जाए। दिवाली मनाने वाले हैं, बिल्कुल ये असली दिवाली है और मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दिन का, और मैं, हम जहाँ भी होंगे, या तो सेट पे होंगे या अपने कमरों में होंगे, हम दिया ज़रूर जगाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं वेट नहीं कर सकती, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रसाद। हमने हमारे राम जी का आगमन सेलिब्रेट किया है, छोटा सा था पर बहुत स्पेशल है, 22 जनवरी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? हम एक जयकारा करते हैं, मल्लिका जी करें।
बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। इस खुशी में पूर्वी का पूरा परिवार शामिल हुआ है, प्राची और रणवीर भी। So yeah, we are very excited. It's a very big thing for our nation, for our society, for everyone. 500 वर्ष की प्रतीक्षा की है हमने और पूरे ही हमारे राष्ट्र ने की है और भारत के लिए बहुत ही सुखद घटना है ये जो होने वाली है और thanks to everybody, each and every one who had supported this, who had seen this dream and I think I need not say more. I'm already carrying it with me. So yeah, so it's Diwali, Deepavali असल मायने में अभी है और ये I think भावना ऐसी है जो शब्दों में व्यतीत नहीं की जा सकती, ये बस महसूस की जा सकती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। इस क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा था और आज जब ये क्षण आ गया है तो खुशियाँ पूरे देश में मनाई तो जाएगी ही। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।